हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, बजरी तोतों की मादा ने पहला अंडा दे दिया, दूसरा नहीं, ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे भाई बजरी तोते पालने की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में एक दो जोड़े लेके आते हैं, और जब जोड़े लाते हैं तो इंतज़ार रहता है अंडे बच्चे आने का, और ऐसे में उनके पास ब्रीडिंग होना स्टार्ट होती है, मटकी में अंडे आना शुरू होते हैं। और जब पहला अंडा आता है तो जैसे ही पहला अंडा आता है तो उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है और दिमाग में काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो चलते रहते हैं कि क्या दूसरा अंडा आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा अंडा आएगा तो कितने दिन बाद आएगा। या काफ़ी सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पास ब्रीड होती है, सिर्फ एक ही अंडा आता है और दूसरा अंडा आने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, दूसरा अंडा आता ही नहीं है। तो क्यों नहीं आता है दूसरा अंडा, क्यों मादा सिर्फ एक अंडा ही देती है, और अगर दूसरा अंडा आता है तो कितने दिन में आता है? कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, और सबसे पहले बात करते हैं कि बजरी तोतों के जो अंडे देने की प्रक्रिया है, सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ेगा कि कैसे ये अंडे देते हैं। तो जब हम बजरी तोतों का जोड़ा लाते हैं, मेल फीमेल लेके आते हैं, केज में छोड़ते हैं, और जोड़ा जब लग जाता है, पेयरिंग हो जाती है नर मादा में, तब हम इन्हें मटकी देते हैं। और जब मटकी लगाते हैं पिंजरे में तो जोड़ा मटके के अंदर आना जाना शुरू करता है, मटकी में बैठना शुरू करता है, उसके बाद शुरू होता है इनका क्रॉसिंग। क्रॉसिंग जब शुरू होती है तो वहाँ से लेकर छठे सातवें दिन हमें पहला अंडा देखने को मिल जाता है। इस दौरान जोड़ा कंटिन्यू क्रॉसिंग करता है, एक दिन में काफ़ी बार क्रॉसिंग देखने को मिलती है। तो जब वो पहली बार क्रॉसिंग होती है वहाँ से आप दिन गिनेंगे तो छठे सातवें दिन लगभग पहला अंडा हमें देखने को मिल जाता है। अब दूसरा अंडा कब आता है? दूसरा अंडा जो आता है वो पहले अंडे के एक दिन बाद या दूसरे दिन आपको दूसरा अंडा देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर बजरी तोतों में यही होता है, मादा ऐसे ही अंडे देती है, पहला अंडा आता है उसके एक दिन बाद या दो दिन बाद जो है वो दूसरा अंडा आ जाता है। कुछ मादाएं होती है जो पहला अंडा देने के दूसरे दिन ही दूसरा अंडा दे देती है, लेकिन ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा कि पहला अंडा आने के एक या दो दिन बाद दूसरा अंडा आ जाता है। अब ये तो हो गया उन भाइयों के सवाल का जवाब जो भाई ये सोचते हैं कि दूसरा अंडा कितने दिन बाद आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी सारे भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास ब्रीडिंग होती है, मटकी में अंडे आना शुरू होते हैं और मादा एक अंडा ही देती है और दो तीन चार पाँच एक वीक निकल जाता है, दूसरा अंडा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है? एक कंडीशन ये होती है कि हमारे काफ़ी सारे भाई जब जोड़ा लाते हैं तो वो ऐसी जगह से लेके आते हैं जहाँ से जोड़ा जो है ऑलरेडी ब्रीड पे हो, जो मादा है वहाँ पे अंडे देने वाली हो, जहाँ से आप लेके आए वहाँ उसकी क्रॉसिंग चालू हो और वो वहाँ अंडे देने वाली हो। अब वो ऐसी फीमेल को आप लेके आ जाते हैं तो वो लाते ही आप मटकी लगाते हैं और मादा तुरंत मटकी में जाती है और अंडा दे देती है। तो ये कंडीशन होती है क्योंकि ऑलरेडी वो अंडे देने वाली होती है, जहाँ से आप ला रहे हैं वहाँ उसकी क्रॉसिंग चालू रहती है, वो ब्रीड पे रहती है, अंडे देने वाली होती है, तो वो हमारे पास आते ही अंडे दे देती है। आपने देखा होगा कई बार मटकी में दे देती है और कई बार ऐसा होता है कि स्टिक पर बैठ कर ही वो नीचे दे देती है, आपको नीचे गिरा हुआ अंडा देखने को मिलता है, दाने के बर्तन में देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे भाई ये भी कहते हैं कि भाई हम लेके आए और लाते ही हमारे पास ब्रीड हो गई, तो उसकी वजह यही होती है। अब जो अंडा मादा ने दिया मादा उस पर नहीं बैठेगी, मटकी में भी हो सकता है वो नहीं जाए, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। अब एक कंडीशन और है, कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा आपके पास पहले से है, आपके पास ही जोड़ा सेट हुआ, मटकी भी आपने लगाई, जोड़े ने क्रॉसिंग शुरू की, एक अंडा मादा ने दिया, उसके बाद उसने दूसरा है दिया ही नहीं। कई बार ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें ऐसा होता है कि जब वो क्रॉसिंग उनकी कंटिन्यू चलती रहती है, पहला अंडा दे देती है, लेकिन बाद में फीमेल जो है ब्रीड से हट जाती है, किसी ना किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप जाने अनजाने में उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मादा जो है वापस क्रॉसिंग करना बंद कर देती है और सिर्फ एक अंडा ही देकर वो ब्रीड से हट जाती है। तो कई बार ये कंडीशन भी होती है। अब एक और कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि किसी मादा ने अंडा दिया, पहला अंडा दिया, कंटिन्यू जोड़ा आपके पास ही है, समय आपने उसको प्रॉपर दिया, क्रॉसिंग भी स्टार्ट हुई, पहला अंडा दिया लेकिन दूसरा अंडा नहीं आया।
तो ये कंडीशन में, इस कंडीशन में ऐसा होता है कई बार कि मादा पहला अंडा दे देती है और उसके बाद मटकी में वो ज़्यादा बैठना शुरू कर देती है, कंटिन्यू वो मटकी में बैठी रहती है, जिसके कारण मादा को चर्बी लग जाती है और ऐसे में वो दूसरा अंडा नहीं दे पाती। अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आई है तो एक बार मादा को देखें कि उसको चर्बी तो नहीं लगी हुई है। अगर मादा को चर्बी लगी हुई रहेगी तो उसका जो वेंट का एरिया है नीचे जहाँ से वो बीट करती है वहाँ के पास का एरिया आप देखेंगे तो वो फूला हुआ रहेगा। लेकिन चर्बी वाली मादा को पकड़ के आप उसके वेंट के एरिया पर आप उंगली लगाएंगे जहाँ से फूला हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, उंगली आपकी दबेगी, नर्म आपको महसूस होगा, अंडा फील नहीं होगा। अगर अंडा होता है तो वहाँ हार्ड फील हो जाता है, लेकिन चर्बी होगी और चर्बी जो आपको नज़र भी आ जाएगी, वहाँ वेंट का जो एरिया है वो येलोनेस आपको नज़र आएगा और फूला हुआ नज़र आएगा। वहाँ आप उंगली लगाएंगे तो वो सॉफ्ट रहेगा, अंदर दसेगा। तो चर्बी जब मादा को लग जाती है तो ऐसे में मादा अंडे नहीं देती है। तो पहला अंडा देने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि मादा को चर्बी लग जाती है जिसकी वजह से अंडे नहीं देती। चर्बी का इलाज आप करना चाहते हैं तो एक केज में उसको छोड़ दीजिए और दो स्टिक वहाँ पे लगा के रखिए, मटकी नहीं लगानी है। तो कुछ ही दिनों में उसकी चर्बी जो है वो अपने आप ही सेट हो जाती है, फीमेल फिट हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है जब मादा एक ही अंडा देती है, दूसरा अंडा नहीं दे पाती। कई बार जैसा मैंने कहा मादा डिस्टर्ब हो जाती है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि एक अंडा दे दिया फिर उसने क्रॉसिंग करो होना उसकी बंद हो गई तो वो दूसरा अंडा ले नहीं कर पाती। तो दोस्तों अगर आप भी बजीज पैरट्स लेकर आए हैं एक जोड़ा या दो जोड़ा और आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, पहला अंडा आ गया है, तो थोड़ा वेट कीजिए, एक दिन बाद या दो दिन बाद आपको दूसरा अंडा भी देखने को मिल जाएगा। और अगर सिर्फ एक अंडा ही आया है और दिन ज़्यादा निकल गए हैं, चार दिन पाँच दिन या एक वीक निकल चुका है, तो ऐसे में जो मैंने बताया है वो देखिए, कहीं वो तो आपके पास नहीं हो रहा है, कहीं फीमेल को चर्बी तो नहीं लग गई या किसी वजह से जोड़े की क्रॉसिंग रुक गई हो, फीमेल डिस्टर्ब हो गई और वापस जो है वो दूसरा अंडा नहीं दे रही हो। अगर एक अंडा ही दिया है और काफ़ी दिन हो गए तो आप उस अंडे को वहाँ से हटा दें और वापस जो है जोड़ा जो है वापस बिल्कुल ब्रीड करेगा। आप उस जोड़े को पहली बार जब आपके पास ब्रीड हो तो कोशिश करें कि उसे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर।